बहुत मजा आया मुझे। शुरुआत के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और परेशानी हो रही थी 1-1.5 हफ्ते तक, लेकिन उसके बाद बहुत बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा से, मतलब परेशानी ऐसी नहीं कि दिमागी परेशानी हो रही हो, थोड़े से लोगों से लोगों को बताने में कि अपने आप को कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर, को कैसे करना है, तो वो थोड़ा था। बाकी अमेजिंग बिग बॉस तो वैसे भी मैंने हमेशा बोला मेरा मायका है। अच्छा, ये मायके ने फिर वापस एक नई जिंदगी दी है। डू यू एग्री विद दिस? चीजें फिर पटरी पे आ रही हैं, हाँ ट्रैक पे आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कहते हैं ना, वही शिद्दत से आप सोचो कि आपको वो मुकाम मिलना चाहिए। तो बिग बॉस में जाकर मैं हमेशा से उस घर की बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे इंडियन मॉल वाले कॉम सलमान साहब, जिनके साथ मेरा थोड़ा ऐसे ऐसे मामला चलते हैं हंसी मजाक वाले। तो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या इस बार क्या नया सीखा, या क्या लोगों को नया बेवकूफ बनाया आपने? नहीं, ने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। और मुझे थोड़ा सा वहाँ पर जाकर लोगों के अंदर एकदम से चिंगारी लाना थी, स्पार्क लाना था, बिकॉज़ बहुत आराम से थे सब, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे घर के अंदर। टास्क के टाइम थोड़ा सा अपना ऐसा दिखाते थे एनर्जी के, टास्क आ गया अब हम दिखाएंगे हम कौन है, लेकिन जो रोज़ के जो वीकडेज चलते थे उसके अंदर बहुत आराम से रहते थे। तो मेरा काम था कि थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा उनका दिमाग एकदम से हिला के शो को अप करवाना, वो मैंने बाखूबी किया। मुझे पता है चाहे लोगों ने कुछ भी सोचा हो शुरुआत के अंदर, लेकिन मैं जो करती थी वो ऐसे ठोक के करती थी, हाँ किया है, हाँ हाँ किया है, हाँ किया है, राइट 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 किया। कितनी दोस्तियां खराब हुई, कितनी दोस्तियां बनी? खराब तो नहीं, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हुई अली से, बहुत अच्छी हुई। अली और हम लोग बहुत वक्त वक्त गुजारते थे साथ में। राहुल वेद्य के साथ बहुत अच्छी रही, जास के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही, फिर अभिनव के साथ शुरू से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी, फिर धीरे धीरे जैस्मिन, जैस्मिन के साथ हमेशा मेरा एक न्यूट्रल रिलेशन रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ थे, एंड फिर लास्ट में रूबीना दिलेक। क्या हमेशा से आप बिग बॉस में जाती रही? बिग बॉस में मेरे ख्याल दूसरी तीसरी बार जा रही हैं, तो क्या आग लगाने के लिए गई थी या रहने के लिए गई थी? नहीं, आग लगाने नहीं गई थी यार, पता है क्या होता था, मुझे टाइमिंग पता थी कि कब कैसे करवाना है चीज़ें, बिकॉज़ हम उस शो के अंदर गए और उस शो के अंदर हमें भेजा इसलिए गया कि हमारी जिम्मेदारी है कि शो को ऊपर करना है, ना कि वहाँ पर आराम और अपनी कैमरा के लिए वहाँ पर रहना और रेडी होना है। ये सब मैं नहीं करती, मैं रेडी मेडी तो मुझे ज़्यादा होना नहीं रहता था, मैं सिर्फ ये सोचती थी आज क्या होना चाहिए, और मैं पहले कैमरे में बोल देती थी बिग बॉस आप देखो कुछ नया सीन क्रिएट करते, तो वो हमारा काम था। और ये जैसा कि अभिनव ने बोला था कि लोग अर्शी के कहने से रिएक्ट करते हैं, मेरे हाथ में रिमोट था, टंग करके मैं बजाती थी और पूरे घर को इधर उधर उधर उधर। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़ाई करवाई है, बहुत सी चीज़ें करवाई हैं मैंने घर के अंदर, बहुत मस्ती मजाक, बहुत चीज़ें हुई हैं घर में। क्या ये बात पहले से तय थी कि क्योंकि जीत आप उस जीतने वाली रेस में शामिल नहीं थी, आपका काम था शो को एनहांस करना, ये स्क्रिप्ट दी गई थी, यही अर्शी की जो आता है नेचर फ्लो के साथ वही आता गया आप नहीं करते गए? नहीं स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। हम जब उस शो के अंदर गए थे तो शो की टीआरपी बहुत बोरिंग चल रहा था शो, और जैसे ही चैलेंजर्स को लाया इसलिए गया था, क्योंकि सलमान ने भी बहुत बार बोला कि चैलेंजर्स हम लाए इसलिए क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं रहे थे, तो जिम्मेदारी तो थी कि शो के अंदर कुछ ऐसी हलचल मचानी है कि लोगों को मजा आए। सलमान मुतमईन हुए आपके परफॉर्मेंस से? बहुत तीखी नोक झोंक भी रही है आपकी, साइलेंट शटल, कई बार आप रोई भी, आपकी और सलमान की बड़ी मुद्दा रहा, डिस्कशन का मुद्दा रहा? हाँ, वो शुरू शुरू में रहता है हमेशा, कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो हम दोनों की बहुत ऐसी बातचीत हो जाती है, लेकिन मुझे पता है 2-1 हफ्ते के बाद फिर सेटल हो जाएगा और फिर मस्ती मजाक स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑन ऑफ चलता रहता था, लेकिन ऑफ होता है देन हम लोगों का ऑन हो जाता है, फिर अच्छा रहता है। चैलेंजर में और भी बहुत लोग थे, आप किसे ग्रेट, आप अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार मानती हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हाँ, या इट्स अ टीम वर्क? टीम वर्क टीम में और कौन इंपॉर्टेंट है? सभी थे, सबने अपने हिसाब से अच्छा खेला। कैश को बहुत दिल था खेलने का, लेकिन वो 2 हफ्ते रही, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे। राखी, राखी डेफिनेटली राखी थी, राखी की और मेरी नोकझोंक बहुत लोगों को पसंद आई है, हम दोनों का जो ऐसा ऐसा लगता है कि दोनों पता नहीं कितने जन्म की पुरानी वो हैं और लड़ रही हैं, मार रही हैं एक दूसरे को, तो अच्छा था उसके साथ में। आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? 3 लोग हैं, सब तीनों ही, जितना मैंने अंदर से देखा, रुबीना है, अली है एंड राहुल है। राहुल को लेके बहुत बहुत पॉजिटिव बज है बाहर, आप खुद बाहर हैं, आपको पता होगा, उस बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है ना, बाहर आएगा तो खुश हो जाएगा, और शायर शेर व शायरियां करना स्टार्ट कर देगा, खुश हो जाएगा वो तो। क्या
आपको लगता है आपको और एंड तक रहना चाहिए था? हाँ, मुझे फिनाले तक रखना था, मैंने कल ही बोला उन लोगों को, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तो लोग वो लोग शांत थे बिल्कुल चुपचाप में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं फिनाले तक ऑब्वियसली रहूंगी, क्योंकि नॉन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं और फिर उस वक्त वहां पर रहे, तो मुझे बुरा लगा। लेकिन ठीक है, मैंने जितना खेला मैं पॉजिटिवली बाहर आई, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब मैं उस घर से निकली तो मैंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा, एंड सेकेंड चीज़ कि ऊपर वाला इस घर को खूब नवाजे ताकि हम अगले सीज़न में फिर से आए और ज़्यादा पैसा दें हमें। अच्छी, कौन डिजर्विंग नहीं था उसके बावजूद भी वहां था? बहुत सारे लोग हैं डिजर्विंग तो नहीं, खेल तो सभी रहे थे, लेकिन मेरे मुकाबले मेरे मुकाबले मेरे मुकाबले जैसे एजाज खान की प्रॉक्सी जो बनकर आई थी देवो, वो तो फिलहाल पता ही है सबको, तो वो मुझे नॉन डिजर्विंग लगती थी। और निक्की थी, निक्की ने खेला अच्छा है, लेकिन मैं अगर अपने मुकाबले की बात करूं तो ठीक ठाक। ओके, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है, और जिंदगी कितनी बदली इस दौरे के बाद? अभी तो देखा ही नहीं है कुछ, मैं गोवा हॉलीडे के लिए गई, फिर लोनावला गई, राहुल महाजन हम लोग साथ में रहे, अब देखते हैं किसके बाद फिनाले के बाद क्या होगा। ओके, सो फिनाले के पार्ट बनने वाली है, आप क्या कुछ परफॉर्मेंस होने वाले? फिनाले के लिए मेरा ड्रेस कल देखोगे तो मजा आ जाएगा, बहुत बहुत जबरदस्त है। हॉट पॉट नहीं पहनती, हॉट पॉट नहीं पहनती। हाँ, फिनाले में क्या कुछ आप करने वाली है अलग से? कुछ नहीं, परफॉर्मेंस तो शायद हुई नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, तो ज़्यादा उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस रहती तो हमको क्वारंटीन करना पड़ता। तो ठीक है, कल देखेंगे, सलमान साहब तो मिलेंगे ना, और क्या है। ओके, जिस तरह से पिछले सीजन में आपकी नाइटी चर्चे में थी और इस बार आपकी उर्दू चर्चे में रही है, सो इसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगी, कितनी खुशी होती है? क्यों, नाइटी अच्छी नहीं लगी इस बार? बहुत अच्छी लगी, आप क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ, उर्दू के साथ मेरा शेरू भी तो कितना चर्चे में रहा है, शेरू कृष्ण गोनी, डेफिनेटली अभी उसके लिए शॉपिंग करनी है मुझे, तो कल भी कल जाएगा वो, देखना मैं उसको बास्केट में ऐसे सजा के लेकर जाऊंगी और सलमान साहब के सामने ऐसे रखूंगी, कहूंगी ये भी कंटेस्टेंट है यहाँ का। तो हाँ, उर्दू तो मेरी हमेशा बिग बॉस सीजन 11 में भी बहुत काबिल तारीफ रही है, लोगों ने बहुत उसको अव्वल दर्जे पर रखा है और लोगों ने बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। तो मैं हमेशा लोगों से बोलती थी घर के अंदर भी कि आप लोगों को बहुत मुगालता है कि आप लोग उर्दू बहुत अच्छे से बोलते हैं, शगुफे में पल रहे हैं आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा तलफ़ुज़ सबसे ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से राखी के साथ आपकी बॉन्डिंग है, खट्टी मीठी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बाहर आकर दोनों का स्टेज पे देखा था, झूठ बोल रही थी सलमान साहब से, बोलती है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने बोलते हैं कि मेरी दोस्त नहीं है। मैंने हमेशा ये बोला है कि वो मेरी सीनियर है और वो 18-19 साल माशाल्लाह काम कर चुकी है इंडस्ट्री में, तो मैं उस दर्जे से जब मैं कोई बिग बॉस से निकल कर आया, और वो मेरी दोस्त तो नहीं थी फिलहाल, लेकिन अब तो दोस्त बन गई है अंदर, घर के अंदर अच्छा पहचान ली एक दूसरे को, तो ऑन ऑफ चलता था उसके साथ भी, वो थोड़ी सी उसको, देखिए मैं नेचुरल लेवल पे एंटरटेन करती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती कि मुझे सोच के कंटेंट क्रिएट करना है कि कल क्या करना है, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, मैंने उसको हमेशा से बोला है, तो उसके साथ इसी बात पे ऑन ऑफ चलता था मेरा कि तू ये करेगी तो फिर मैं ये करूँगी, तूने ये किया तो मैं ये करूँगी, तू अभिनव को फंसाएगी तो मैं अभिनव को फंसाऊंगी, उसका यही सीन चलता रहता, तो वो मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभिनव के साथ जितना मेरा चला ट्रैक वो नेचुरल था, जब मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, अली के साथ हो, राहुल के साथ हो, तो फिर मैं उस ट्रैक पे चली गई, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं रहता था कि अगर अभिनव के साथ मेरा ट्रैक नहीं चला तो शायद पब्लिक मुझे पसंद नहीं करेगी, ऐसे नहीं होता, वो रियलिटी शो है, नेचुरल है, आप जितना नेचुरल रहोगे आवाम आपको पसंद करेगी। क्या आप मानती हैं कि अक्षी आपको राखी ने बहुत फॉलो किया, मतलब आपके पीछे पीछे रही, जॉब कर रही हैं उसके बाद? हाँ, वो थोड़ा सा मुझे वो ऑफ था मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी वो बहुत गुस्सा हो जाती थी और अजीब सी बातें करने लगती थी, और जिसकी वजह से हमें कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था, और कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर देती थी कि उनका जवाब नहीं रहता था, तो बिग बॉस ने बहुत बार ऐसे बुला के भी बोला कि आप तो ना इतनी बड़ी इंटरटेनर है हमारे देश की और आप ऐसी हरकत, तो उससे थोड़ा सा बुरा भी लगता था, लेकिन अब उनको कौन समझाए, वो थोड़ी देर के लिए सही हो जाती थी फिर से वो पलटवार करना इस्तेमाल कर देती थी, तो मुझे वो थोड़ा उनका लगता था शुरू शुरू, जैसे ही मैं ब्रश करने के लिए उनके साथ जाऊँ सुबह मॉर्निंग में, तो अर्शी हम दो ही चैलेंजर बचे, अब हम हमारे हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, हमें शो को बचाना है, फिर सुबह सुबह ब्रश करते रहे, हाँ, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद राखी दिखेगी राहुल वैद्य के साथ, अरे ये तो बहुत चालाक है, अरे ये तो बहुत शातिर है, अरे ऐसी चैलेंजर होती है, मैं तो उसका साथ नहीं दूंगी, मैं कहती थी यार ये क्या सीन है, मुझे नहीं समझ में आता, तो थोड़ा उनका चलता था, बाकी अच्छी है यार, वो हर इंसान की अपनी अपनी एक तरीका होता है खेलने का, तो उनका इसी तरीके से गेम है। रुबीना और राहुल वैद्य,
हु इज मोर प्रॉमिसिंग टू विन द शो? इन दोनों के बीच में किसी को चुनना पड़ेगा, किसको चुनेंगे आप? अली गोनी। व्हाई? दोनों या तीनों, मैंने पहले ही बोला कि देखो सबका अपना अपना गेम बहुत अच्छा था तीनों का आफ्टर चैलेंजर जाने के बाद। राहुल इंटेलिजेंसी से खेलता, अली गोनी खुश मिजाज इंसान है, वो दोस्तों की ज़्यादा देख रेख करता है। रूबीना दिलेक जो है वो एक मिनट, रूबीना जी बोल रही वो इस तरह से खेलती, एक मिनट तो अच्छी है। शुरू में मुझे ज़रूर ऐसा लगता था बहुत तकब्बुर है इस खातून के अंदर, बहुत नाटक दिखा रही है, बहुत अपने चीज़ें लोगों पर थोपने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती बनी। आपने वो देखा होगा चंद्रमुखी शूटर और गर्दू जो बने थे अली गोनी और मैं, तो वो उसी ने तैयार करवाया था मुझे अभिनव से, तो तब हम लोगों की बातचीत बहुत अच्छी होना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे समझ में आ जाता है इंसान यार कैसा है। क्या वजह मानती है इस बार बहुत पीछे रहा शो जो आपने किया था, वो भी बड़ा कामयाब रहा, इससे पहले शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था, ये इतना क्यों पीछे रह गया, क्या वजह मानती है अर्शिया? पता नहीं यार, मतलब मैं जब गई थी शो के अंदर तब तो मैंने जाते से ही शायद कुछ कांड कर दिए थे बहुत, मतलब आप लोगों ने देखा होगा प्रोमो तो बहुत कट हुए थे, तो मुझे जब लोगों से मुलाकात हुई तो बहुत शांत लोग थे। अभिनव तो है ही शांत इंसान, रूबीना भी अलग, बिल्कुल शांति में रहना, फिर डिसीजन अपना जो है वो लोगों के सामने रखना, और निक्की तो वो तो बचकानी हरकतें करती है, वो तो बच्ची टाइप की है। बाकी और लोग कौन कौन थे, अली आया, अली और जैस्मिन पवित्रा के साथ नहीं रही मैं। नहीं, आप क्या वजह मानते हैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि चैलेंजर्स को भेजना पड़ा? कुछ किया नहीं ना, अब कुछ कंटेंट, कितनी बार तो सलमान साहब ने भी बोला कि क्या करें, क्या बात करनी है, कुछ है ही नहीं का बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दे नहीं बनते थे मुद्दे। आप जब इस इतना बड़ा घर है बिग बॉस ने दिया है, देखो उसमें लड़ाइयाँ होना लाजमी है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ लड़ाई नहीं होगी, सबकी लड़ाई होती है क्योंकि सबके अलग अलग डिसीजन होते हैं, सबको अपने आप को इंडिया के सामने रखना है कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही, तो सबकी लड़ाइयां होती हैं, तो वो चीजें बहुत कम थी। रिश्ते बहुत कम थे, रिश्ते नहीं बने शो के अंदर, जो जैसे मैंने बनाया अली राहुल के साथ बहुत ऐसा कट्टर, मतलब रिश्ता था, लड़ाई होती थी लेकिन रिश्ता था, रिश्ते नहीं बने। हाँ ये था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, ये तो रोमांटिक कपल्स के हर सीजन में चलता है, लेकिन मेन चीज़ होती है रिश्ते, और इंडिया की आवाम हमेशा रिश्तों से कनेक्ट होती है। जैसे शिल्पा के साथ मेरा माँ का रिश्ता था, और अहितेन और विकास ये सब जो भी सीजन 11 में थे उनके साथ अच्छी दोस्ती का रिश्ता था, तो वो चीज़ की बहुत कमी थी। रिश्ते, मेन रिश्ते। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।